हेलो भाइयों, मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो भाई आज हम बात करेंगे अपनी मारुति सुजुकी बलेनो के बारे में। जो बलेनो का ये भाई हमारा अल्फा वेरिएंट, टॉप वेरिएंट, इससे ऊपर इसका कोई वेरिएंट नहीं आता। ये हमारा जो अल्फा आता है वही हमारा मैनुअल में टॉप होता है। अगर हम इससे ऊपर और बढ़ते हैं भाई, अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए हो तो आपको मिलता है सिर्फ जेटा के अंदर। बाकी अल्फा जो टॉप वेरियंट है उसके अंदर आपको मैनुअल नहीं मिलता, आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, आपको मैनुअल इंजन ही देखने नहीं मिलता। यहाँ पर सबसे पहले आप बेलिनो की बैजिंग पढ़ना भाई, काफ़ी अच्छे फॉन्ट के साथ में देखने मिल जाती है। जो भाई रियर में इसमें जो आती है पट्टी, कुछ भाई कहते हैं ये कंपनी क्यों देती है, भाई कंपनी है तो कुछ सोच के देती नहीं है। ये देखो यहाँ पर आता है कैमरा, कुछ भाई को नहीं पता, बहुत से लोग यहाँ लगवाते हैं। यहाँ भाई टॉप वेरियंट में यहाँ पर कैमरा होता है, लगवाने को तो आप यहाँ लगवा लो, बट ये चीज़ एक प्रीमियमनेस में जुड़ जाती है। रियर में भाई रियर वाइपर मिल जाता है, डिफोवर मिल जाता है, हाई स्पीड स्टॉप मिल जाता है स्पॉइलर के ऊपर। बाकी एंटीना नॉर्मल आता है, कोई भी सार्फिन एंटीना नहीं आता, क्योंकि हमारी ये हैचबैक है, फ्रोंग्स हमारी एसयूवी है, तो इसमें आपको सार्फिन एंटीना जरूर से देखने नहीं मिलता। बाकी भाई सबसे पहले गाड़ी के प्राइस की मैं बात करूं, क्योंकि अल्फा के अंदर कंपनी देती क्या क्या है, 360 डी कैमरा बढ़ जाता है, एचएफ डिस्प्ले का प्राइस निकल कर आता है 932 का हमारा एक्स शोरूम करता है। भाई एक्स शोरूम तो हर जगह का सेम होता है, आप कहीं से भी गाड़ी उठा लो ऑल इंडिया कहीं से भी, लेकिन जो ऑन रोड चेंज होता है भाई वो ऑन रोड हो जाता है हमारा। इसका यहाँ पे स्टैम्प गण अपने मुरादाबाद दहली रोड पर मारुति सुजुकी नेक्सा के अंदर जो पड़ जाता है 10,53,000 में, हम इसे अपने घर लेकर आ सकते हैं। बाकी डीलर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाए आपकी किस्मत वगैरह देखने के बाद। भाई भाई गाड़ी में जो इंजन मिलता है देखने लिए हमें 1197 cc का फोर सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जनरेट करता है 88 BHP 117 Nm के टॉर्क के साथ में निकल कर आता है। हैचबैक फोर सिलेंडर काफी बढ़िया लुक के साथ में तो आती है। यहीं पे जो भाई 360 डी कैमरा, एक कैमरा ये इधर मिरर पर मिलेगा, उधर मिलेगा फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलता है। चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4 रिफ्लेक्टर बेस्ड कुछ ऐसे मिलते हैं। जो बूट स्पेस बेलिनो के अंदर आता है 318 लीटर का, इसमें बूट स्पेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको पार्सल ट्रे यहाँ देखने के लिए मिलती है, ये थोड़ा गड्ढे टाइप में मिलता है, ऐसे नहीं फ्लैट बिल्कुल मिले, थोड़ा हम टाइप में नीचे को मिल जाता है। जैसे स्पेयर व्हील उठाता हूँ 15 इंच का मिल जाता है। जो और टायर है वो आपको 16 के मिलते हैं, ये आपको 15 का मिल जाता है। इसमें कंपनी ने थोड़े 1 इंच की कटिंग कर दी है। बाकी यहाँ पर आप इसमें नाइट लैंप वगैरह देख सकते हैं, इसको आप बंद चालू यहीं से कर सकते हैं। देखो ये छोटा सा बटन है, इसको आप ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हैं, इधर कुछ नहीं मिलेगा। भाई बूट स्पेस काफ़ी है, शिकायत नहीं है किसी को बंद करने का, हमें ये मिल जाता है, आप इसको ऐसे ही बंद कर सकते हैं जो भी हमें बंद वगैरह करना हो। बाकी अगर गाड़ी की फ्रंट में चलता हूँ, सबसे पहले भाई कीलेस एंट्री आता है, इधर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, उधर मिल जाता है। फ्रंट से भाई पूरी गाड़ी की जो प्रोफाइल निकल के आती है बेलिनो में कुछ हमें ऐसी देखने के लिए मिलती है। इसमें आपको डुअल टोन में डायमंड कट इसमें अलाव देखने के लिए मिल जाता है। इसकी प्रोफाइल में आपको बताऊं, अपोलो का तो इसके अंदर टायर मिलेगा 195/55R 16 इंच का मिलता है। ये क्लेडिंग वगैरह कुछ नहीं है, ABS ABD एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक के भाई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक के साथ में आता है। पियानो ब्लैक का काम है भाई, ये जो इस पर सिल्वर का काम है भाई, डुअल टोन में इतना प्रीमियम लगता है। फ्रोंग्स के अंदर सिंगल टोन आता है, बट इसमें आपको डुअल टोन वो भी डायमंड कट के साथ में आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। इधर जो भाई कैमरा मिलता है साइड मिरर पर आप देख सकते हैं। बाकी सिक्वेंशियल इंडिकेटर के साथ में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल फोल्डेबल हमें दोनों मिल जाएंगे। हिचअप डिस्प्ले वो यहाँ मिल जाएगी, मैं आपको अंदर से और गाइड कर दूंगा। बाकी भाई जो फ्रंट से इसमें ग्रिल देखने के लिए हमें मिल जाती है, फ्रंट से कुछ ऐसी हमें ग्रिल मिल जाती है। इसमें आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, सुजुका का बड़ा सा लोगो मिल जाता है पूरा। इसमें भाई क्रोम चल के जाता है, ये काफी प्रीमियम से लुक के साथ में आती है। जो भाई बेलिनो के अंदर जो हेडलाइट का सेटअप रहता है, इसमें आपको इंडिकेटर का काम ये करती है छोटे छोटे पीस टाइप में, यही हमारे DRL के रूप में भी जल जाती है। प्रोजेक्टर इसमें बल्ब मिलता है आपको देखने के लिए, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर वो है, प्रोजेक्टर येलो बीम हाई बीम आपको एक ही के अंदर मिलेगा। यहाँ पे पूरा आपको क्रोम जाता ही है। फॉग लैंप हमें ऑब्वियसली मिलेंगे क्योंकि टॉप वेरिएंट है अल्फा, अल्फा के अंदर ही कंपलसरी आते ही हैं। यहाँ पे थोड़ा सिल्वर का क्रोम का काम जरूर से देखने के लिए मिलता ही है। इधर भी आपको भाई कैमरा जरूर से मिल जाता है देखने के लिए। कीलेस एंट्री है तो इधर भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा आपको डोर हैंडल पर। चलता हूँ भाई गाड़ी के अंदर लेके, लेकिन उससे पहले मैं आपको चलो अंदर से दिखाता हूँ गाड़ी में अंदर से और हमें क्या क्या फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। जो भाई इसका पूरा डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा अल्फा का, कुछ ऐसा हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको 360 डी कैमरे के साथ में मिलती है, यहाँ पे हिचेप डिस्प्ले। भाई हिचेप डिस्प्ले के साथ में फीचर्स तो कंपनी इतने बढ़ जाते हैं इसमें, और जो मिलता है आपको पूरा स्टेरिंग व्हील कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें आपको पूरा भाई स्टेचिंग होगा मिलता है सॉफ्ट टच के साथ में, डी कट तो आएगा ही स्टेचिंग, और यहाँ पर आपको ग्रे का काम मिल जाएगा थोड़ा सा। क्रूज कंट्रोल इस वेरियंट में आपको जरूर से देखने के लिए मिल जाएंगे, इधर आपको माउंट कंट्रोल मिल जाएंगे फोन उठाने के आपको ही मिलते हैं। जो भाई अल्फा के अंदर आपको टिल्क रहता है, टेलीस्कोप टिल्क भाई दोनों देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टेयरिंग के अंदर आपको टिल्क टेलीस्कोप दोनों मिलता है, ट्विटर यहाँ पे मिलते हैं। हिचअप डिस्प्ले भाई इतनी बढ़िया जगह है, ये चलती भी गाड़ी में उठ जाती है, काफी बढ़िया। इसका जो बटन आता है हिचअप का HUD करके यहीं मिल जाता है आपको। व्यू देखना हो 360 का आपको यहाँ मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ये मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा, बाकी आइडल स्टॉप वगैरह जो भी हो सारे फीचर, स्टार्ट बटन कीलेस एंट्री के साथ में आएगा वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलता ही है। वाइपर के कंट्रोल, हेडलाइट के कंट्रोल इसमें आपको यहाँ मिल जाते हैं। जो भाई इसका म्यू टच स्क्रीन है वो देख सकते हैं आप, काफी बड़ा सा इसका टच स्क्रीन देखने के लिए मिल जाता है। इसमें आपको फीचर्स काफी मिल जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे इसमें पूरा ग्रे का काम निकल के जाता है, पियानो ब्लैक का काम मिल जाता है, सिल्वर का काम मिल जाता है। 5 मैनुअल ट्रांसमिशन है, रिवर्स लगा के इसमें 6 गियर आपको देखने के लिए मिलेंगे। USB का सॉकेट आपको यहाँ मिल जाएगा, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा। और भाई देखो जैसे हमारा टॉप वेरियंट है अल्फा,
पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी। अगर मैं सिग्मा की बात करूं उसके अंदर भी पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देती है मारुति। ऐसे नहीं है कि जैसे बेस वेरिएंट हो तो उसमें थोड़ा अलग दे, भाई बेस लो टॉप लो हर बंदे के लिए कंपनी इतने ज्यादा लुक के साथ में इतने ज्यादा फीचर्स के साथ में हमें गाड़ी बना के देती है मारुति। ऑटो डिविंग में पूरा ऑटो मिलता है, ऐसे नहीं है कि ऑटो डिविंग हो भाई ऑटो में, इसको आप कर दोगे ऑटोमेटिक ये धूप देख के ठंड देख के रात देख के अपने हिसाब से सेट हो जाता है। इधर भाई मिरर भी देखने के लिए मिलता है और लाइट भी इधर से देखने के लिए हमें जरूर मिल जाती है क्योंकि हमारा टॉप वेरिएंट है। ऑब्वियसली भाई हर चीज होंगी, मैं क्यों गिनवा रहा हूँ आप यहाँ पे, लेकिन आपको येलो एलईडी मिलती है ठीक है भाई। इस रेंज में येलो एलईडी रात में काफी अच्छा उजाला कर देती है। आर्म रेस्ट भी हमें देखने के लिए मिल जाता है, जैसे हमारा मैंने आपको बताया टॉप वेरिएंट है, ये स्लाइड अप के साथ में मिलेगा, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे भी पूरा ग्रे का काम मिल जाता है, इसमें आप चाहो तो पियानो ब्लैक ले सकते हैं, ग्रे के साथ में भी ले सकते हैं। यहाँ बात करता हूँ भाई चारों विंडो, इसमें पावर तो आपको देखने लिए मिलती है, साइड में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल फोल्डेबल मिल जाएंगे, ये भी आपको पूरा पियानो ब्लैक के साथ में मिलेगा। सॉफ्ट टच का मटेरियल यहाँ यूज किया गया, यहाँ पे कोई सॉफ्ट टच नहीं है बट इतने बीच में आपको जरूर से सॉफ्ट टच मिल जाता है देखने के लिए। पेट्रोल डालना हो बोनट खोलना हो आप यहीं से खोल सकते हैं, थोड़ा स्पेस एक आपको ये भी देखने के लिए मिलता है भाई। जो डैशबोर्ड है पूरा इतना प्रीमियम सा हमारा निकल कर आ जाता है बेलिनो का। चलता हूँ एक बार सेकंड डो में लेके, सेकंड डो में हमें कैसा मिल जाता है देखने के लिए। जैसे मैं इसका डोर बंद करता हूँ भाई सेकंड डो में चलते हैं। स्पेस तो भाई ठीक है क्योंकि जो ये सीट है मैंने अपने हिसाब से नहीं पूरी मैंने पीछा कर दी थी ताकि मैं वीडियो में डैशबोर्ड आपको पूरा दिखा पाऊँ क्योंकि मैंने एक्सपे शूट कर रहा हूँ, 0.x काम नहीं कर रहा है फोन का। भाई भाई देखो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं इतना प्रीमियम सा हमें मिल जाता है डैशबोर्ड देखने लिए भाई। बेलिनो में भाई इतने ज़्यादा फीचर्स, इतनी बढ़िया गाड़ी बना दी मारुति वालों ने। रियर में भाई एसी वेंट आपको देखने लिए मिलते हैं अल्फा वेरियंट में। यहाँ पर भाई आपको एक टाइप सी का पोर्ट मिलेगा, एक आपको यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा देखने लिए। डायरेक्ट डेटा केबल लगाओ, इधर आपको टाइप सी का पोर्ट लगाओ, जिसका फ़ोन जिस कंपनी का उस हिसाब से हो सकता है। 60-40 सीट देखने लिए जरूर से मिल जाएंगी भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहचान कर सकते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें देखने लिए मिल जाएंगे, आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा देखने लिए। बीच में भाई बड़ा सा हम्प देखने के लिए नीचे मिल जाता है हमें जमीन पर, हम्प है भाई ठीक है। बाकी सीट की अगर मैं बात करूँ भाई कम्फर्टेबली एक जर्नी कवर हो जाएगी और इनकी थाई सपोर्ट वगैरह 1, 2, 4 भाई काफ़ी है, अच्छा खासा स्पेस है। ऐसा नहीं है किसी को सिखा दो, बूढ़ा हो बच्चा हो कैसी भी एज का बंदा हो आराम से इसमें बैठ के कितनी भी लंबी जर्नी कवर कर सकता। यहाँ भाई सॉफ्ट टच का मटेरियल मिल जाता है, पियानो ब्लैक के साथ में मिलेगा, विंडो का अप डाउन मिलेगा, क्रोम का डोर हैंडल मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, बोतल होल्डर जरूर से देखने के लिए हमें मिल जाता है। टिंट में भाई जो गिलास है इसके हल्के देखो आप, देखो हल्के जो टिंट गिलास हैं इतने प्रीमियम से लगी रहे हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। पूरा आपको क्रोम का काम मिलेगा, टॉप वेरिएंट है यहाँ, टॉप वेरिएंट, ये टॉप वेरिएंट की भाई पहचान इन्हीं चीज़ों से बढ़ जाती है, अलाव दिख जाते हैं क्रोम का ज़्यादा से ज़्यादा काम दिख जाता है टॉप वेरिएंट। फिर अंदर से भाई फीचर्स तो हैं, इंजन वगैरह सब सेम होता है, बेस वेरिएंट लो टॉप वेरिएंट लो उसी में से ऑटोमेटिक वगैरह लो तो थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती हैं, बाकी पूरे लोग आप गाड़ी के देख सकते हैं। तो यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच।